इटकी थाना क्षेत्र से अगवा कर ली गई 16 साल की स्कूली छात्रा ने आज फोन कर अपने मामा को सलाम करते हुए सिर्फ इतना कहा कि मैं अभी गोवा में हूँ, साथ में जावेद अंसारी भी है, पहले मुंबई में थी। इसके बाद छात्रा के हाथ से मोबाइल छीन लिया गया। अपहरित छात्रा के घर वाले बहुत परेशान है कि कहीं उनकी बेटी के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। छात्रा के मामा ने बताया कि जावेद के लूड़ लक्षण शुरू से ही ठीक नहीं थे। जब कभी उनकी बेटी स्कूल जाती थी तो रास्ते में उसका हाथ पकड़ लेता था। छेड़छाड़ करना मामूली बात हो गई थी। इधर आज रात इटकी थाना में छात्रा का अगवा कर लेने संबंधित प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। ये प्राथमिकी भादवी की धारा 363, 365 और 366A के तहत दर्ज की गई है। कांड के अनुसंधानकर्ता ASI एनुल हक खान को बनाया गया है। दर्ज प्राथमिकी में छात्रा के पिता ने इस बात का जिक्र किया है कि 13 दिसंबर की सुबह 9 बजे स्कूल जाने के लिए बेटी घर से निकली। नेशनल पब्लिक स्कूल इटकी की छात्रा जब तय समय पर घर नहीं लौटी तो उसे इधर उधर खोजा गया, वो नहीं मिली। स्कूल जाने पर पता चला कि 13 तारीख को वो स्कूल पहुंची ही नहीं थी। जावेद उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा था। जावेद भी अपने घर से गायब है। उसके घर के लोगों ने भी कोई मदद नहीं की। शुरू में इटकी पुलिस का भी रुख सही नहीं था। जब यह मामला रांची के पुलिस कप्तान सुरेंद्र कुमार झा तक पहुंचा तो पुलिस हरकत में आ गई। खबर लिखे जाने तक अपहरित छात्रा को खोज निकालने में पुलिस नाकाम थी। 13 तारीख को मेरा बेटी नेशनल स्कूल के लिए निकली सुबह दिन में 9 बजे। 1:30 बजे छुट्टी हुई तो घर नहीं आई। हम इधर उधर खोजे, खूब तलाश किए, नहीं समझ में आया, कोई पता नहीं मिला। कुछ सुराग मिला कि वही लड़का है जो बराबर छेड़छाड़ करता है, उसका नाम है जावेद अंसारी, जो मल्टी के रहने वाले हैं। उनका घर गए, छानबीन किए, पूछे, कोई सुराग नहीं मिला। वही बात को लेके थाना गए, थाना में बात रखे, सारा वाकिया रखे, आज होगा कल होगा, ऐसे करते करते आज 3 दिन हो गया, मेरा बेटी का कोई अता पता नहीं हुआ। के साथ रांची SP के पास आए, SP से मिले, उम्मीद है कि मुझमें कुछ इंसाफ मिल जाए और मेरा बेटी वापस आ जाए।